क्या कर रहा है? धक्का मार के हेल्प दिया भाई मेरे ड्रैगन को नीचे। वो देखो ताकि से रेड को आ जा। अच्छा आई वाट यस आएगा 41% ऑसम पे अनग्रेड लेवल का ज़ाइजीन 6 मिलियन के एचपी। ये कौन है भाई इसको? और व्हाट्स अप गाइस, मैं आ चुका हूं फिर से। स्वागत है सभी लोगों का एक कॉन नेपालवर्ड की धमाकेदार वीडियो में। यार आज वाली वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि आज हम लोग पकड़ने जा रहे हैं द लेजेंडरी गॉड जेट ड्रैगन को। तुम लोगों ने मुझको ये चैलेंज भी दिया था एंड तुम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि हीरोइक भैया आप जाके गॉड जेट ड्रैगन को पकड़ के दिखाओ। इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बस जेट ड्रैगन को ढूंढने या देखने नहीं जा रहे यार, उसको हम लोग पकड़ के लाने वाले हैं किसी भी कीमत में। आई नो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, जिसकी वजह से मेरे सारे पोकेमॉन्स भी मर सकते हैं। बट जैसे कि तुम लोगों को बताया कि तुम्हारा भाई इस गेम का पोकेमॉन मास्टर है, तो जरूर से हम लोग उसको पकड़ के दिखाएंगे। उसी के साथ साथ जिसने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइस वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैं सुबह सुबह अपने बेडरूम में बैठा हुआ, लाइक मैं बहुत दिन से रूम पे नहीं आया था। एंड उसी के साथ साथ मुझे बताया कि तुम लोग गुस्सा भी हो कि मैंने कल वीडियो नहीं डाली है। सो अभी तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अब वीडियो नहीं डाल के मैं कर क्या रहा था यार। सो देखो, तुम लोगों ने मेरे को चैलेंज दिया था कि मुझे जाना है लुकारियों को हराने के लिए। मैंने वो वाला चैलेंज कम्प्लीट कर दिया, बट उसके साथ साथ तुम लोगों ने मुझे कहा कि गॉड जेट ड्रैगन को हरा के दिखाने के लिए, जो की 100 लेवल का है। एंड मैं था भाई लिटरली 60 लेवल का। अब हाँ से क्या मतलब है वो तो मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, कल मैंने पूरे दिन भर मेहनत की है जिससे कि हम लोग उस 100 लेवल वाले गॉड जेट ड्रैगन को हरा पाए। इसलिए सारे पोकेमॉन्स की जो मैंने तगड़ी ट्रेनिंग की है, लास्ट शायद तुम लोगों ने मेरे को 65 लेवल में देखा था, अब मेरा ही लेवल है 97 का। अब मुझे लगता है गाइस कि हम लोग गॉड जेट ड्रैगन को हरा सकते हैं, वरना तो कोई चांस नहीं था उसको हराने का। सो आज हम लोग किसी भी तरीके से उसको तो पकड़ने जाने वाले। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम लोग उस लोकेशन पे टेलीपोर्ट कर लेते हैं, जहाँ पे तुम लोगों को याद है कि हम लोगों को मिलता है गॉड जेट ड्रैगन। एंड यही वो वाले माउंटेन से जहाँ पे हम लोगों को गॉड जेट ड्रैगन मिला था। बस ये थोड़ा ऊपर चढ़ना होता है, बट भाई पायरोलियन के साथ ना ये सब कुछ भी बात ही नहीं है। तुम लोग देख सकते हो कितना ही ज्यादा फास्ट है। बट एक सेकेंड, तुम लोगों ने यार एक चीज नोटिस की है, लाइक ध्यान से देखो ठीक है। इधर इन लोगों का भी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देख, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था ना, इन लोगों ने भी लगता है ना गाइस ट्रेनिंग की है, बट मुझे फाइट नहीं। कुछ भी नहीं है ना, नए से याद है, मैं बेस से निकल गया भाई, मेरा लेवल अप हुआ था बट मैं भूल गया भाई। जैसे कि देख सकते हो, अभी हम लोग ये आर्मर बना सकते थे, लेजेंडरी शील्ड, डेजर्ट ईगल, लेजेंडरी AK-47 एंड पल्सर AMK-4, पता नहीं है क्या है, एनर्जी सेल। सो ये सारी चीजें क्या है गाइस मुझे पता नहीं है, बट हम लोग ये सारी की सारी चीजें बनाने वाले हैं। पर अभी के लिए तो गाइस जिस काम के लिए आए उसमें फोकस करते हैं। मुझे लगा हाथी उड़ रहा था भाई, इधर उतर है लो, मुझे लगा भाई हाथी कैसे उड़ सकता है यार। एनीवेज गाइस, अभी हम लोगों को इस वाले माउंटेन गेट पे जाना है। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि इस माउंटेन के टॉप से ही हम लोगों को दिखता है गॉड जेट ड्रैगन। एंड ये हम लोग आ चुके हैं एस्ट्रल माउंटेन्स पे, एंड इधर ही से हम लोगों को देखना चाहिए द लेजेंडरी गॉड जेट ड्रैगन। भाई मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि हम लोग इसको हरा सकते हैं कि नहीं, बट मैंने जी जान से जितना हो सकता था भाई पूरी की पूरी ट्रेनिंग की है जिससे हम लोग इसको हरा पाए। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, वो उधर बहुत ही ज्यादा शांति से, हम लोग फिर भी तो थोड़ा उसके पास चलने वाले, थोड़ा क्या पूरा ही पास चलने वाला है, क्योंकि आज तो इसको पकड़ के लेके जाना है। बट मैं अपने साथ अल्टीमेट स्पीयर्स लाना भूल गया भाई, मैं लिटरली बहुत ही ज्यादा भुलक्कर हो चुका हूँ, सारी की सारी चीजें भूल चुका हूँ। लाइक लेवल 100 का तुम लोग समझ सकते हो, उससे भी बड़ी बात पता है क्या है। लाइक देख सकते हो 4 मिलियन की इसकी एचपी है। अगर तुम लोग चाहते हो ना, रुक जाओ, मैं तुम लोगों को ना इन दोनों के अंदर ना डिफरेंस दिखाता हूँ ठीक है। ये है मेरा डार्क जेट ड्रैगन, इसको भी मैं अटैक करने के लिए बोलता हूँ ठीक है। बट ये भाई 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 अटैक्स बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, देख सकते हो ठीक है। मेरा वाला जेट ड्रैगन का डैमेज देखना, एक करके लग रहा है जो कि डार्क जेट ड्रैगन है। एंड गॉड जेट ड्रैगन का देखो भाई, मेरा जेट ड्रैगन तम होने वाला है, लिटरली एक शॉट में पसीने निकाल दिया भाई। गाइस यार गॉड जेट ड्रैगन अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मेरी बुलेट से 28 का डैमेज लग रहा है, बट 28 चल के भी अगर लगे ना गई यार, 4 मिलियन की एचपी है यार, 1000 की नहीं है जो ऐसे की हरा दे इसको। एंड देख सकते हो मेरा जेट ड्रैगन कोशिश तो कर रहा है बट वो जेट नहीं जी। अरे कहाँ जाता है भाई ये?
अभी इसकी स्पीड देख रहे हो तुम लोग इतना ही ज्यादा है ना, इसको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अभी तक हम लोगों ने बस इसकी 1000 एचपी घटाई है, अभी से 4 मिलियन ब्रो। मुझे श्योर नहीं है कि मैं इसको पकड़ सकता हूँ कि नहीं, पर भाई भाई बस तो गया किसी तरीके से, बट ये छुड़ने के मूड में नहीं है लगता है। भाई क्यों कर रहा है जेट ड्रैगन, तो मैं अपने वाले को गलती से मारना चालू कर दिया। भाई जेट ड्रैगन सामने आ भाई, हुआ मेरे को भी बचा के रख, एक करके डैमेज यार, लिटरली एक फुल डैमेज होता है मेरे को, तुम लोग ये बताओ यार। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि डार्क जेट ड्रैगन भी इसको कुछ नहीं पा रहा है भाई। अब इससे क्या करूं भाई यार, क्या कर सकते, देखो यार इतना तो फास्ट एम करना भी पॉसिबल नहीं है जिसका फास्ट ये। भाई सर हम गया यार, मेरा लिटरली इतना ज्यादा फास्ट है ना ये वाला जेट ड्रैगन, बट एक सेकेंड दोनों जेट ड्रैगन इसको मेरी ही पिटाई करने में मजा आ रहा है। एक सेकेंड जो तुम लोगों को क्या लगता है, अगर मेरा तुम लोगों को याद है कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों को मिला था पीस किचन, जिसको भी मैंने लेवल अप किया है, 93 का डैमेज है, नॉट बैड, 2-3 का डैमेज हो गया भाई, दिस इज बैड यार, 98 लेवल का कोचुवन भी इसको कुछ नहीं किया। लेकिन एक सेकंड तक उन्होंने देखा 23,000 करके इसको फाइनल डैमेज लग रहा है। अच्छा गाइस हम लोग को एक सीक्रेट पता चल चुका है जिससे हम लोग गॉड जेट ड्रैगन को हरा सकते हैं, एंड द बेसिकली ये कि फायर अटैक के सामने बहुत ही ज्यादा वीक है। जैसे ही फेस किचन में उसके ऊपर आग लगा दिया ना, तब उसको 23,000 करके लगाया, देखो इस अटैक से बस ग्रो करके लग रहा है, ठीक है। सो अगर मैं सही हूँ, सबसे पहले मैं लुकारियों को भेज के देखता हूँ लुकारियों कुछ कर पाता है कि नहीं। 97 लेवल का लुकारियो है, लेट्स गो, 106 का डैमेज, मतलब लुकारियो गॉड जेट ड्रैगन के सामने तो एफेक्टिव नहीं है, देख सकते हो जैसे बस 53 का ही डैमेज लग रहा है। मैं किस पे एम करूँ यार, एक सेकंड के लिए ना गाइस शॉट गन लेते हैं, शॉट गन से बस डैमेज लग रहा है, बट इससे ना एम करना थोड़ा ईजी हो रहा है क्योंकि एआर में ना आप लोग बहुत ही ज्यादा बुलेट्स वेस्ट कर दे रहे हैं इधर उधर मार के, एंड बोल सकते हो भाई जेट ड्रैगन को इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। ड्रैगन को छोड़ के देख रहे हैं क्या, इतना ज्यादा बहुत तुम लोग देख ही सकते हो, ड्रैगन तो कुछ भी कर पा रहे ब्रो इसको, देख सकते हो बाहर किसको है उधर कौन है भाई, ब्रॉड जेट ड्रैगन को पगला बना दिया क्या, बचाओ भाई बचाओ। एंड लेट्स गो, इसके ऊपर आग लग गई है फिर से, ठीक है, जब इसने इतने सारे अटैक्स किया ना, जो आग लगी है उसकी वजह से गॉड जेट ड्रैगन की हालत खराब हो जा रही, लिटरली पतली हो चुकी है भाई। अभी आई गेस देख सकते हो फायर बुझ चुकी है, अभी इसको मारना फिर से हार्ड है, बट तुम लोगों को पता है अपने पास कौन है, द फायर टाइप लेजेंड भाई, इसके सामने तो कोई नहीं, देख सकता है 192 का डैमेज, इतना देर कैसे ग्रो भाई, जलाना बायरोनियन इसको यार, ये मेरे पास आ जा रहा है, बायरोनियन इधर आ जा, लेट्स गो गाइस, हम लोग बायरोनियन की कवर में रहते हैं, 3 करके डैमेज भाई, एक सेकंड बायरोनियन का डैमेज स्टेशन नहीं लग रहा है भाई, बायरोनियन तो मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। सो बेसिकली देखो अगर हम लोग फ्रॉड जेट ड्रैगन पर हरा रहा है ना, सो हम लोगों को उसके ऊपर आग लगानी पड़ेगी, इसके लिए बहुत ही ज्यादा मसल मसने वाली है, लेकिन फाइनली वो आग लग चुकी है। एक सेकेंड जो ड्रैगन ने अभी मेरे ऊपर जो अटैक किया उन्होंने देखा ना, वो भी फायरबॉल था, आई गेस गाइस ये जो फायरबॉल के अटैक कर रहे हैं, हम जो फायर अटैक कर रहे हैं जब ये ब्लास्ट हो रहा है ना, तो जेट ड्रैगन को उसका बहुत ही ज्यादा डैमेज लग रहा है। आई होप कि मैं मर ना जाओ भाई, बहुत गंदा डैमेज है फायरलियन का, मैं लेट्स गो गाइस फायरलियन को हम लोग छोड़ने तो वाले हैं, बट एक फायरबॉल के साथ लेट्स गो भाई, इसके ऊपर आग लग जाए, आग वैसे मैं बोलता हूँ इसके ऊपर गाइस आग लगानी है, देन इसको हम लोग इजीली भी पकड़ सकते हैं, तो बड़ी बात ही है ब्रो, तुम लोग दे नहीं सकते हो ऐसे, तो इसको डैमेज नहीं लग सकता है, बट हम लोगों ने 1 मिलियन भाई लिटरली 1 मिलियन एचपी घटा दिया उन्होंने अपने सीक्रेट ट्रिक से। भाई आई एम श्योर कि पूरे यूट्यूब में किसी को ये वाली सीक्रेट ट्रिक नहीं बताओगी जेट ड्रैगन को हराने की। देख सकते हो ये फायरबॉल मार रहा है, इसमें भी बहुत ही ज्यादा दम है, अगर मेरी शील्ड ना हो ना मेरे को एक फायरबॉल में ले जाने के काबिल नहीं, बट एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया कि मेरा डैमेज फट गया भाई, 19 करके डैमेज दे रहा था, बट ये क्या है, ओ ओ
भाई मैं बच्चा भैया ओ बच गया यार ये इसको ना बहुत मजा आता है गाइस जी इतना ज्यादा पावरफुल है ना बिकॉज़ ये एक गॉड पोकेमॉन है सो इसको भाई मेरे तो नहीं करने में बहुत मजा आ रहा है बट हम लोग अभी टीआर लेने वाले हैं टीआर से इसको स्वैच पास सिखाने वाले हैं लेट्स गो लगा तो है भाई लगा तो कहां गया भाई चला नहीं लग सकती है ना 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 अब हमारे पास बस लेजेंडरी एयर्स आई नीड अल्टीमेट एयर्स ही बाकी है सो हम लोग अल्टीमेट एयर के एससी इसको बजाना पड़ेगा। बट ये क्या कर रहे हैं भाई इसके ऊपर आग लग गई है मेरे पास पास आ रहा है भाई जैसे कि मेरे को भी आग लग जाए सर जल रहा है एंड ये मेरे को ब्रॉच करनी पड़ेगी ठीक है ये लेट्स गो ओए उधर मार रहा है क्या हेलो भाई भाई वो फेयर पर बनाने के लिए मार रहा था इस टेबल पर फॉल लाइक मैं जिससे कि उस अटैक में वापस करूँ एंड ये सीधा अपने फायर बॉल से मेरे ऊपर चार्ज कर सके मैं मर गया इस बार मैं नहीं बच सकता बच गया भाई लास्ट 1000 HP में मैं बच गया मुझे भी नहीं पता कैसे बट देखो यार मैं तुम लोगों को सच बताऊं ना मुझे नहीं लगता है कि क्रॉच ड्रैगन को पकड़ना पॉसिबल थी है यार क्योंकि लाइक्स लिटरली देखो 100 लेवल का कोई पोकेमॉन मैंने आज तक नहीं पकड़ा है देख सकते हो अल्टीमेट स्पीयर से बस इसका कैप्चर रेट 20 है सो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है इसको पकड़ना यार मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रो पर किसको अगर हम लोगों ने हरा दिया ना तो मान लो भाई इस गेम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो शायद यही हो सकता है या फिर तुम लोगों को क्या लगता है हम लोगों को मिला था फ्लेम एम्परर लियोन जो भी 100 लेवल का था तो क्या लगता है ये चीज कमेंट्स में बताना गाइस फिलहाल के लिए बच के आ जाएगा देख सकते हो यार मेरी एआर से भी 28 का डैमेज लग रहा था बट इसने उसको भी घटा दे 9 पे ला दिया है बट मेरी वेपन्स तोड़ दे रहा है क्या नहीं यार वेपन्स भी ठीक है वैसा हो क्यों रहा है इसकी डैमेज कम हो जा रहा है गाइस देखो क्योंकि अगर ऐसे डैमेज कम होता रहा ना फिर तो उसने हारना पड़ता है ब्रो बट हम लोग हार नहीं सकते यार गाइस हम लोगों को किसी भी तरीके से इस गॉड ड्रैगन को हराना ही पड़ेगा ब्रो लाइक देख सकते हो फिर से हमारा डैमेज रिटर्न आ चुका है गाइस आई गेस गॉड ड्रैगन बड़ा कोई स्पेशल एबिलिटी आती है गाइस फिर से वो अपना पावर अप कर सकता है बट एक छोटे से टाइम के लिए तो इसीलिए ना उसका डिफेंस ज्यादा हो गया था भाई पर ठीक है हम लोगों ने ये वाला भी फिगर आउट कर दिया बना भाई इसके धक्के से मेरी अल्ट्रा चीज कूद जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बहुत सुन यार एंड इवेंचुअली सोचा तुम लोग ठीक है अभी अगर मैं कूद 97 लेवल का मतलब 3 लेवल का डिफरेंस है मेरा इस जेट ड्रैगन से तब मेरी बुलेट जिसको 28 करके डैमेज दे रही है जस्ट थिंक यार जस्ट तुम लोग सोचो थोड़ा अगर मैं 60 लेवल पे आता या 70 लेवल पे आता इससे फाइट करने के लिए यार ये मेरा क्या बुरा हाल करता लाइक से भी मेरा चेहरा समझ में नहीं आता ब्रो इतना ज्यादा पिटाई करता ये और दोस्तों हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया है जेट ड्रैगन भाई इसके हम लोग अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा तो एचपी नहीं घटा पाया लाइक 1.3 मिलियन हम लोगों ने इसकी एचपी घटाई है कहने को सो भाई ये बहुत ही तो पावरफुल है यार एक तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है इट्स टू नॉट फास्ट भाई कोई पोकेमॉन कैसे इतना फास्ट हो सकता है मेरे पास भी डार्क जेट ड्रैगन है ब्रो बट वो उतना ज्यादा फास्ट नहीं है बट मैं सोच रहा हूँ ना इसको छोड़ के देखते हैं एंड ये भी अच्छा खासा फास्ट है अपना वाला लेट्स गो एंड ये मार रहा है एक का डैमेज यार एक से क्या होगा भाई डार्क जेट ड्रैगन भाई तेरे पास सही में कौन जेट ड्रैगन से ग्लासेस लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है बट हम लोग ये कर सकते हैं गाइस एंड जेट ड्रैगन को ये भी आता है लेट ब्रो भाई जिससे हम लोग अटैक में लोगों को बताए फोन कोई भी ब्रॉड टीयर का पोकेमॉन टू ना होते हो ओ एग्जैक्ट्रॉन है एंड अभी सारी मिसाइल्स खत्म हो चुकी है जो कि बहुत ही दुख की बात है सो मैं अभी लुकारियों को बुलाने वाला हूँ लुकारियो कुछ है इस बार ब्रो लुकारियों का डैमेज देखना आइए ब्रो लुकारियो डार्क जेट ड्रैगन से तो बढ़िया ही डैमेज दे देगा भाई बट यार ये इतना ज्यादा क्यों मेरे पीछे पड़ गया वैसे मुझे लगता है ना हम लोग अपने ना फेस के सन को ज्यादा तोड़ना चाहिए पायरोलियन को ही तोड़ना चाहिए क्योंकि हम लोगों को ये पता चल चुका है भाई गॉड जेट ड्रैगन ना बस फायर अटैक्स के सामने वीक है सो अगर हम लोगों को गॉड जेट ड्रैगन को हराना है तो ज्यादा से ज्यादा उसको जलाने की कोशिश करनी पड़ेगी उसके सिवा मेरे पोकेमॉन्स के अटैक भले ये लोग 98 लेवल के क्यों ना होते हैं पर फिर भी ये लोग उतना ज्यादा डैमेज नहीं दे सकते यार बट ये देखो जैसे ये फायर डैमेज लग रहा है ना जेट ड्रैगन पे भाई 23,000 करके डैमेज लग रहा है एंड लिटरली जहाँ भी जा रहा है तो 1 लाख का डैमेज तो हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं इसके बस हम लोग को क्यों सिस्टम है ज्यादातर फायर अटैक्स में ट्रेवल करने का 1 सेकेंड उन्होंने एक चीज नोटिस की इसका अभी तक डार्क अटैक्स नहीं आते थे भाई उसने अपने फायर 1 सेकेंड ये वाला अटैक तो आता था इसको भाई इस गॉड जेट ड्रैगन को इसका मतलब 6 या 7 टाइप के अटैक्स आते हैं ब्रो लाइक इतना क्रेजी है भाई अपने प्रोटोकॉल्स को बस 3 टाइप्स के ही अटैक आते हैं जो तुम लोगों को पता भी है बट
इसको इतने टाइम्स के अटैक्स नो आते हैं भाई, मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा, बट हम लोग इसको इजीली हराने वाले हैं। ये देखिए देखिए भाई, जो ड्रैगन को छोड़ने नहीं वाले, अच्छा खासा डैमेज दे रहे भाई हम लोग, अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इसको पकड़ सकते हैं फाइनली भाई। एंड अगर हम लोग इसको पकड़ लिया ना, श्योर भाई हम लोग का लेवल 100 होने वाला है, वो भी सबसे पहले, जो की बहुत ही क्रेजी बात है। बट ये मेरे ऊपर ऊपर घूम रहा है भाई, डर नहीं लग रहा है मेरे को उतना ही। एक एक धक्के में मेरी शील्ड खा जाता है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। पहले बेसिकली अपने पायरोलियन को निकलने वाला, सॉरी छोड़ दिया भाई पायरोलियन, लेट्स गो लेट्स गो भाई, पायरोलियन को भी पड़ा एंड मैं अंधा हो चुका हूं भाई, कुछ भी नहीं रहा है। बट गाइस फाइनली हम लोगों ने पांच ड्रैगन के एचपी उतार दिए। ओ मैन मैन, देख सकते हो भाई क्या सही फायर डैमेज लग रहा है इसको। बस और थोड़ी देर ऐसे ही हम लोगों को वेट करना है, देन भाई देन लो इविलिस को कर लेंगे भाई। बट आई गेस इसको पकड़ना हार्ड होने वाला है, रुक जाओ। हाँ मैं देखता हूँ, अभी भी 20% का ही कैप्चर रेट है, 1% का भी कैप्चर रेट बड़ा नहीं है। तो तुम लोगों को पता है कि मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इस पर 1 HP पर लेके जाने वाले हैं। बट मैं रिंग ऑफ मर्सी पहन लेता हूँ। ये ग्लासेस क्या करती है भाई, ना पहनी मैंने, पता भी नहीं। बट इससे कुछ होता है कि ओ ये देख सकते हो जेड ड्रैगन की HP वगैरह हम लोगों को ऊपर दिखाई दे रही है, अटैक डिफेंस सब कुछ भाई पीक लाइन पे है। अपना वाला कितना वीक है भाई, देख सकते हो अपने वाले का अटैक 79 है, जेड ड्रैगन का 88, अपने का डिफेंस 57, उसका 96 है ब्रो। बस हम लोग की HP ज्यादा है उससे, क्योंकि हम लोग अपने पोकेमॉन्स को स्विच कर रहे हैं, वो पोकेबॉल के अंदर हील हो रहा है। वरना भाई गॉड जेड ड्रैगन इज सीरियसली ए गॉड ब्रो, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग, तुम लोग को दिख ही रहा है आज। बट वो कौन है भाई, 59 लेवल का चिलर, बट उसका अटैक 100 है, मतलब ये अपने ब्रीड में सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। सो मैं इसको भी लेके नहीं रच ही देता हूँ यार, क्या ही दिक्कत है। बट मैंने उसे अल्टीमेट स्पीयर क्यों बर्बाद किया मुझे नहीं पता, बट हम लोग 3.5 लाख की XP तो मिल गई है। सो क्या पता कि मिड बैटल अपने पोकेमॉन्स का लेवल अप ही हो सकता है यार, जिसकी प्रोबेबिलिटीज तो बहुत ही ज्यादा है। इसको पकड़ो कैसे यार, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, इट इज लाइक मुझे लगता नहीं है ये आने वाला है इतना इजीली। बट मैं अपने ग्लासेस की वजह से कुछ तो खोला हूँ, रिंग ऑफ मर्सी खोला हूँ। तो बेसिकली मैं ग्लासेस छोड़ के अभी रिंग ऑफ मर्सी पहन लेता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ये ग्लासेस का यूज किया यार, लाइक मैंने बना लिया था बट मैंने कभी यूज नहीं किया था इसका। एंड देख सकते हो जेड ड्रैगन को फिर से डैमेज कम लग रहा है, तुम लोगों को पता है कि उसका फायर डैमेज लग रहा है, फायर डैमेज भाई प्रॉपर लग रहा है। 1.7 मिलियन में इसकी HP हम लोगों ने उतार दिया। एक डार्क बॉल, बस वो एक डार्क बॉल लगी नहीं कि मेरी अल्टीमेट शील्ड गायब हो गई, वैसे 10-12 बॉल्स थे, मतलब समझ रहे हो भाई। तुम लोग प्रो बॉल की अगर लग जाए ना, मैं खाचता हूँ भाई, बाकी के 10 बॉल तो ये फ्री में दे रहा है बस। और इसको हराने का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आई जस्ट कुछ ऐसा खासा डैमेज दे पाएंगे, बट ये बच जा रहा है भाई, हर बार ये बच जा रहा है मेरे से। मैं ना अपने जेड ड्रैगन को बुलाने वाला हूँ, बट आई गेस अभी तक जरूरत तो नहीं है। देखो हम लोगों को गाइस थोड़ा साइड में रह के हील होना है, बट ये छोड़ेगा तो अपना हिंदू में। गया 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 मेरा जेड ड्रैगन, शायद गया गाइस। मेरे जेड ड्रैगन का भी 4 लेवल अप हो चुका है, क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से इसकी फाइट हो गई। बट ये रुक गया भाई, मैं मरने वाला हूँ। इस अटैक के मिस करके गए बेसिकली, थोड़ी देर बस हील हो जाना पक्का भाई, मैं इससे फाइट करने वाला हूँ। लेट्स, हम लोग हील हो चुके हैं, अपनी शील्ड भी आ चुकी है बहुत ही ज्यादा। लुकारियों को छोड़ने का टाइम आ चुका है गाइस, आई गेस लुकारियों हिला दे। लेट्स पर भाई लुकारियों को खतरनाक अटैक, ये अटैक तुम लोगों को बताया मेरे को हिला दिया था बस। जेड ड्रैगन तो भाई गुद हो रही है, 5 डैमेज हो रहा है भाई। ये देख सकते हो लुकारियो आया भाई, लुकारियो का खतरनाक डैश बैग लगा। एंड ये अटैक कब सीखा भैया मेरे लुकारियो ने, लेट्स गो भाई। लुकारियो की स्पीड बहुत ज्यादा है, सो हम लोगों को डरने की तो जरूरत नहीं। देख रहे हो क्या डॉच कर रहे हैं लुकारियो उधर से, स्लोली चल के फाइट कर रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं इसको हरा सकता हूँ? मैं सही बताऊ ना, मेरी गलत तरीके से स्टर्न लग रही है यार मेरे को, नहीं इतना पावरफुल। बट डरने की बात वैसे है नहीं यार, 1.5 मिलियन पे उतार चुके हैं हम लोग।
एंड आई गेस इसको हराना बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। हम लोग बस और थोड़ी देर ऐसे ही बस ऐसे ही हम लोगों को और थोड़ी देर कोशिश करते रहनी है भाई। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं हम लोग फिर से गाइस, बट इससे नहीं होने वाला है भाई। पहले डैमेज नहीं 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 हरी बुद्धियों में यार, मैं फिर से पायरोलियन को बुलाने वाला हूँ। ये ज्यादा ही थोड़ा कूद रहा है। पायरोलियन को नहीं यार, थोड़ा ड्रैगन को बुलाता है। लेट्स गो ड्रैगन भाई, बहुत ही ज्यादा साइज में बड़ा एक ड्रैगन है। इसके पीछे ना हम लोग ऐसे कवर भी नहीं सकते यार, जय ड्रैगन कुछ बिगाड़ भी पाएगा। सुन भाई मार के दिखा, चल ड्रैगन के पीछे वाला तेरे अंदर टिम्बर है, मार के दिखा भाई क्या कर रहा है। धक्का मार के फिर हेल्प दिया भाई मेरे ड्रैगन को नीचे। भाई इसको मैंने हर के में नहीं लिया था यार। अच्छा वो मेरे पास खोकी बोल था वो मैं भुला दिया, वरना इतना ऊपर से गिरता तो भाई ड्रैगन की भी चटनी बन जाती। तुम लोगों को याद है कि ये कहाँ पे मिलता है राइट। बट जो भी लोग नए हो मैं तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये जैसे कि देख सकते हो भाई इतने ऊपर से गिर गया था, चटनी बनना तो पक्का है। बट भाई अपने किचन को भी डैमेज लगा है क्या? अच्छा खासा आई गेस लगा तो है, वरना लाइक भाई थोड़ा पीछे पीछे किचन सामान दे ब्रो। किचन को तो आई गेस इतना ज्यादा इजीली हरा नहीं सकता क्योंकि ये भी एक लेजेंडरी वॉकी वन अपना टारगेट सन। बट ब्रो दिया भाई मेरे को तो पूरा थो दे रहा है। इसको पता नहीं यार दिक्कत क्या है कि मेरे साथ तो अंगे क्यों भी लेता है। ये मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, मेरे को परेशान करने में। अरे यार क्यों परेशान कर रहा है जयद्रागन, आ जाना भाई थका दे रहा है यार, मार मार के दे सकू। इतनी तो एक खतरनाक बॉल्स है, लिटरली इतना ज्यादा डार्कनेस है ना, फ्लोर में टच होने के बाद भी पूरा डार्कनेस बाहर नहीं आ पाता इन बॉल से। एंड अगर वो सब लग गई तो मेरे लग गए यार। जेट ड्रैगन तो बहुत गंदा होता जा रहा है। आई मीन गॉड जेट ड्रैगन भैया प्लीज आ जाओ भैया, आने का नाव जो नहीं दे रहा है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट इसको हम लोग को हल्के में नहीं लेना है भाई, नहीं लेना है भाई। अच्छी खासी डैमेज ला तेरी यार, क्या करूँ मम्मी को क्यों बुला रहा हूँ। बट भाई मम्मी की याद आ रही है, इतना ज़्यादा खुटाई कर रहा है ना यार इस टाइम पे। एक सेकंड पायरोलियन को बुलाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हो गया मस्ती मजाक। ये फेस किट्सन अभी नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों हर एक तब के पूरी सिविल कहा जा रहा है, पागल वागल है जब जेट ड्रैगन भाई। इसके ऊपर आग क्यों नहीं लग रही, तब से मैं तेजी जा रहा हूँ यार, आग लग जाना जेट ड्रैगन को। पायरोलियन प्लीज आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा डाला की भैंस की टांग अब तो नहीं छोड़ने वाले इसको। बहुत गंदा डैमेज पड़ा है यार इसको, वो फायर अटैक्स लगना भी बंद हो चुके। तुम लोग देख रहा है यार, ये एक बार भी चल नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। बट इसका चलना ही बंद हो गया ब्रो, फेस किचन को बुलाना पड़ेगा आई गेस ये कुछ करे। एंड ये क्या कर रहा हूँ मैं भाई, बीच बीच में चीजों को फोड़ रहा हूँ। प्लीज यार फेस किचन डैमेज दे भाई इसको। एक फिर मैं इसके पीछे चला गया एंड इसके ऊपर बैठ के मैं ड्रैको मीटियोर नहीं इग्निस रेज का यूज करने वाला हूँ, जो फीबी एक लाफायर टाइप अटैक है। अच्छा खासा डैमेज लग सकता था बट ये उड़ रहा है भाई, उड़ते उड़ते कैसे मारूं। पायरोलियन आ जा भाई और लेट्स गो पायरोलियन फायरबॉल अटैक। इससे थोड़ा तो फायर डैमेज लगा और जला 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 फाइनली जला है गाइस, फाइनली ये जला है, स्टेज ट्रिप जी रही है। मैं मर गया, भाग 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 भाई साहब, क्या डॉच किया मैंने। तो ये देख सकते हो गाइस ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन में आ चुका है, 1 लाख एचपी तो हम लोगों ने फिर से घटा दिया। पायरोलियन को रिटर्न बुलाते हैं एंड इसके ऊपर बैठ के Let's go, आग लगाओ भाई इसकी जितनी हो सके ना फायर डैमेज देते रहना पड़ेगा बैक टू बैक। अगर हम लोग रुक गए ना तो जेट ड्रैगन जीत जाएगा ना, हम लोग भी हार जाने वाले। बट इसको और फायर अटैक्स नहीं लग रहे इस वाले पोकेमॉन के, तो पीएस किट से हम तो बुलाते हैं। लेट्स गो, कहाँ भाग रहे भाई, ये नेट तेरे लिए फायर अटैक्स लाए मैंने। फिर से पायरोलियन गाइस बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने फास्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे यार एक तो ये अटैक देखो भाई किस को फॉलो कर रहे हैं भाई मेरे को यार। लेट्स ग्रो फायर ब्रो लैंड ब्रो, सो का डैमेज यार बट आग नहीं लग पा रही। आग लग जा आग लगाते ही ना ये बहुत ज़्यादा भागने लग जाता है। बट इस लावा बिल को बच के दिखा जाए ड्रैगन, चल
भाई 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 क्वाड जेट ड्रैगन को भी लग रही है यार, गलत लग रही है यार। अभी P1 मिलियन भी HP इसकी बाकी है गाइस, तो सर 1 मिलियन और इसकी HP उतार पाया ना मैं। शाम बन गया पुनर के घर ले जाऊंगा। इस तो दिमाग खराब कहाँ जा रहा है भाई। ओ व्हाट भाई, ये इतना फास्ट है भाई यार, लिटरली चारों ओर जा रही है, मेरे को कन्फ्यूज कर दे रहा है भाई। एंड देखो अपने पायरल गेम का ना, जैसे ही अटैक आ रहा है पूरा डॉस कम दे रहा है भाई। बट गाइस हम लोगों को रुकना नहीं है, अभी हम लोग सक्सेस के बहुत बच्चों के लिए हम लोग को इन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। इसको नहीं पकड़ पाया ना हम लोग पैलवर्ड का मास्टर तो कभी नहीं बन सकते भाई, सब लोगों को पकड़ना ही पड़ेगा इसको। इधर आ जा पायरोलियन का है भाई, तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर। मैं पायरोलियन के ऊपर बैठ के डॉट्स तो कर सकता हूँ, नहीं इसके ऊपर बैठ के मुझे डैमेज लग रहा है भाई, ये कितना फास्ट। वो देखो तागिर से लेट्स गो मैं बच गया। एंड ये ने भाई अब चला के रख, तुम चला के तेरी फैस्टी आँख। अरे कुछ नहीं हो रहा गया तेरे को यार। ओ भाई एक सेकेंड क्या कर रहा होता है भाई इसका, क्या ये रहा। नीचे में ही नहीं जा पा रहा हूँ मैं, क्या करूँ यार, फाइनल लग क्यों नहीं रहा है इसको। किसको छोड़ू रोगन तो छोड़ते हैं यार, बट रोगन को ना उड़ा दे रहा है गाइस, यही दिक्कत हो रही है। स्प्रे फ्लेम का यूज करते हैं, लेट्स गो, मेरे को धक्का मार के फेंक देता ये। ओए मेरे को फेंकेगा तू, है कौन? हाँ इधर ऊपर आ सकता है बेवकूफ, नहीं आ सकता ना, देख मैं उड़ सकता हूँ भाई। अभी मैं कहाँ चला गया इसका मतलब मेरे को दिख ही नहीं रहा है, हम लोग को नीचे फाइट करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है ऊपर। पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं, तेज किट से लेट को इसको निकालने का टाइम आ चुका है। अभी फायर अटैक्स कहाँ गया भाई, मिल गया नहीं मिला कुछ, मैं मिल गया भाई, मुझे लगा वो मेरे को मिल गया। हाय यार ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है भाई, देख रहे हो यार, अब तो इसको फायर डैमेज इसमें लगना बंद हो चुके हैं, इतना ज्यादा हार्ड होने वाला है। पर कहीं सब लोगों ने ऐसे ही छोड़ दे रहा और फाइट में टिकना पड़ेगा, क्योंकि अगर रात हो गई ठीक है तो मेरा भी है यार, देखो रात होने वाली है, एंड अगर रात हो गई तो हमारा तो पावर अप होगा, पर उसी के साथ साथ डार्क जेट ड्रैगन ब्रॉड जेट ड्रैगन का भी पावर अप हो जाने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है ब्रो। ये सब सब गाइस अगर हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, मेक श्योर तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि इसके ब्रेड ने हम लोग किसके साथ करा है, क्या पता कि हमें दूसरा कोई गॉड पोकेमॉन मिल जाए भाई। ये देख सकते हो भाई, इसके अनाथते नहीं सुधरने वाली है जिंदगी में। मैं गया भाई, बच गया, एक ही बॉल लगी है बोल के मैं बच चुका हूँ। एंड ये भाई इतना गंदा डैमेज क्यों यार, चिट्रैगन तेरी भैंस की टांग तेरे को नहीं छोड़ने वाला मैं। इधर आ जा पायरोलियन कहाँ है मेरा, पायरोलियस दैट्स इट, थोड़ा साइड में चलो, फायर बॉल का यूज करना पड़ेगा, पटका मार रहा है पायरोलियन भाई, बेइज्जती क्यों करवाता रहता है यार, जो जीत बीच में इससे भी कुछ नहीं हुआ, ये वाले लावा फील्ड से भाग नहीं दियो डैमेज था भाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ यार। लेट ब्रो पायरोलियन फ्रिज से अटैक किया, इस बार भी वही सब लोग जेट ड्रैगन को नहीं जला पाए, मुझे इस पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा है यार इसको जलाऊं कैसे, अनलेस मेरे पास एक आइडिया है। रुक जाओ ये कैंप फायर के अंदर वुड नहीं है यार अपने पास, लग गए भाई, अब वुड निकालने गया तो ये डील हो जाएगा, ऐसे ही हम लोग को फायर करते रहना पड़ेगा, ऐसे ही हम लोग को वर्क करने के कुछ चीज़ें। भाई बच गया मैं, बच गया यार, बट आई गेस हम लोग गॉड जेट ड्रैगन को हरा देते हैं ना, इसकी पता ऐसा कोई तकमड़ होना नहीं चाहिए भाई जो फलियों को हराने वाला है, अनलेस पिछो नई स्पीशीज हम लोगों को मिली है, तो लोगों को पता है फेनरियर है, एजिटार है, उसी के साथ साथ वेव एम्परर नियॉन भी है, वो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड गॉड फेनरियर भी तो है भाई, उसको तो हम लोगों ने अभी तक हराया ही नहीं है, उसी के साथ तो लोगों को पता है, मैंने तुम लोगों को एक वीडियो भी बना के बताई है कि 27 पर नया पैलवर्ल्ड जो अपडेट आने वाला है उसमें भी जो खतरनाक पोकेमॉन आने वाले हैं ना भाई, तुम लोग सेक के चौक जाने वाले हो, इसलिए खतरनाक होने वाले हैं उनके डैमेजेस, हम लोगों को उनके डैमेजेस देखने चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग आने वाले हैं उनके डैमेजेस ऑलमोस्ट भाई लाखों में होने वाले, इतना ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं वो लोग। एंड कुछ स्पेस से भी पोकेमॉन आने वाले हैं जो मैंने तुम लोगों को वीडियो में भी बताया, जस्ट लाइक पोकेमॉन में डियाल्गा पालकिया इन जैसे पोकेमॉन, बट उनके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है ब्रो। इस पॉइंट पे मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि अचानक इसको फायर डैमेज लग क्यों नहीं रहा यार, लाइक इसके ऊपर आज क्यों नहीं लग रही, मुझे सब चीजें नहीं आ रहा भाई, इट्स ओकी, डेज खेल चुकी, अब नहीं, अब मस्ती नहीं, जेट ड्रैगन का है मेरा डार्क जेट ड्रैगन, लेट्स गो ये मिसाइल से यूज करना पड़ेगा गाइस, थोड़ी देर हील करना पड़ेगा ऑफिस पे, लेट्स गो ऊपर जा रहा मैं, इसके पास भी नहीं रह सकते यार अभी तो, जब तक ये नहीं हो जाते ना वरना मारेगा ये सही से हम लोगों को।
मस्ती भी नहीं कर रहा, I'm not even kidding, but एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, रुक जा थोड़ा, आजू बाजू आप लोगों को एक बार पीएल देखने की जरूरत है, तेरे को ये अटैक किसने बोल दिया भाई, छोड़ 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 ये अटैक मत कर, एंड लेट्स गो, छोड़ा आजू बाजू देखो ये रहा एक पीएल रहा गाइस, एक पीएल दिख चुका है हम लोगों को, बस ये पीएल से ना हम लोग थोड़ी सी वोट इकट्ठा कर लेते हैं, अनलेस कि वो हील हो जाए मेरे आते आते, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, हाँ थोड़ी वोट मिल चुकी है, जेड ड्रैगन तो चल 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 ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, वो अगर हील हो गया भाई लग गए, ये क्या कर रहे हैं, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल भाई, ये कितना स्लो लगता है गॉड जेड ड्रैगन के सामने, हील नहीं हुआ है, हील नहीं हुआ है भाई, अब हम लोग अपना टेस्ट कर सकते हैं, रुक जाओ हम लोग ना चुपचाप से जेड ड्रैगन के नीचे जाके ये जला देते हैं, क्या इससे पूछोगा बट मैं मरने वाला, प्लीज बन जा प्लीज बन जा प्लीज बन जा, नहीं भाई कुछ नहीं होगा यार, मुझे लगा कुछ होने वाला है इससे बट कुछ भी नहीं होगा भाई, हम लोगों को पायरोलियन भी बुलाना पड़ेगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है गाइस, जिससे हम लोग गॉड जेट ड्रैगन को हरा सकते हैं, इसके सिवा तो गाइस मुझे कुछ भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, अपना पायरोलियन आग के ऊपर चला गया भाई, ये भी है आग के ऊपर बट इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे तुम लोग देख सकते हो, मुझे लगा था कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना तो क्या बताएं यार, कि हम लोग अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं बट कुछ नहीं हुआ यार, निकले मैं कह रहा हूँ ना इसकी थ्री वन मिलियन के नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही, बट फाइनली आग लगी भाई, बहुत देर बाद गाइस तुम लोग देख सकते हो फाइनली आग लग चुकी है, 1 मिलियन के नीचे इसकी एचपी आ चुकी है, 1 लाख में आ चुकी है भाई, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, 8 लाख पे आ चुकी है, 8.5 लाख पे आ चुकी है, जल रही है गलत जल रही है जेट ड्रैगन की भाई, फाइनली हम लोगों ने 8.5 लाख की एचपी कर दी है गॉड जेट ड्रैगन की, बस हम लोगों को और थोड़ा सा इसको लो करते रहना है, अगर हम लोगों ने इसको और थोड़ा सा लो कर दिया भाई हम लोग मिल जाने वाला है गॉड जेट ड्रैगन, मैं बस श्योर नहीं हूँ इसको पकड़ने के लिए अपना अल्टीमेट स्लेयर काफी होने वाला है कि नहीं, क्योंकि अभी भी देख सकते हो 20% का इन कैप्चर रेट है जो कि बहुत ही कम है, बट क्या बता कुछ दिनों से मेरा नेव भी बहुत सही जा रहा है तो शायद हम लोग इसको पकड़ भी सकते हैं भाई, आग लगा देना पायरोलियन भाई, 1 सेकंड रुक जाओ गाइस, अगर मैं इस आग के पास चला जाऊँ तो क्या जेट ड्रैगन इधर आके जलेगा, रुक जाओ हम लोग ना ये भी टेस्ट करते हैं, जेट ड्रैगन इधर आइयो इधर आ थोड़ा आग में रुक जाना ब्रो, अरे आग के पास आगे रुकने नहीं बोला, आग के ऊपर रुकना था यार तेरे को, नहीं यार नहीं कुछ नहीं होता है भाई, अपने पायरोलियन बुलाओ फिर से, लेट्स गो फायर अटैक भाई, और एक फायर कॉम्बो देते हैं इसको, क्या पता फायर कॉम्बो से कुछ नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, फायर के इतनी सारे कॉम्बोस दे रहा हूँ मैं फिर भी इसको चल नहीं होंगे यार, इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ब्रो ये, इतना awesome है भाई तुम सोच सकते हो नहीं, सोच के देखो यार ये अगर हम लोगों को मिल जाता है तो कितना मजा आने वाला है, एंड मैं लिटरली कह रहा हूँ मैं पूरा सुबह के टाइम पे आया था मैं, अब रात होने वाली है भाई मुझे घर भी जाना है, मैं पता नहीं इसको कब हराऊंगा यार, ओ यार इसको कुछ हो नहीं रहे भाई, मैं सोच रहा हूँ ना अपना किचन तो मैं के देखते हैं क्या पता इसके इग्निस रेट से जल जाइए, आई होप जल जाना चाहिए बट नहीं जला यार, ये जल से नहीं रहा है यार, ये वाला अटैक चल 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 इससे तो चल जा रहा था भाई अब चल भी नहीं रहा है, क्या करूं मैं इस पॉइंट में, तुम लोग मुझे बताओ, इग्निस रेज लेट्स गो, इग्निस रेज का यूज कर भाई भाई भाई, इस बार लस आग लग जाए इसके ऊपर, आग लग जाना भैंस की डाल, आग क्यों नहीं लगती है इसके ऊपर यार, एक सेकेंड इसको तोड़ देते हैं हम लोग, मर गया मेरे को ही टारगेट कर दिए, और बढ़िया मैं, एक सेकेंड कैंप फायर लेके इसके नीचे पूरा नीचे प्रॉपर बिल्ड करने वाला हूँ मैं, जिससे कि इस बार इसको फायर डैमेज लगे, एंड आई जस्ट लग जानी चाहिए, लग रही है क्या, नथिंग आई गेस ऐसे करके हरा सकते हैं बट भाई ये तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वरना मेरे पायरोलियन को भी कितना ही ज़्यादा फायर डैमेज लग सकता है, एंड देख सकते हो इसकी एज की लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लो कर दी है, 4 लाख पे आ चुकी है, 3 लाख पे आ चुकी है भाई, बस और थोड़ा सा टाइम बाकी है यार, बताओ तो पूछ गए यार, अभी भी 3 लाख एचपी बाकी है, पायरल प्लीज यार आग लगा दे, आग लगा डाला कर दे भाई, नहीं कर पाया यार आग नहीं लगा भाई, यार अगर ये आग लगा देता है मजा आ जाता है, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रही है, पूरा रात हो चुका है जैसे कि तुम लोग आसमान में पूरा दिख रहा होगा भाई, तो ऐसे अभी देखो कितना रात हो चुका है, पूरे तारे भी निकल चुके हैं, मिड नाइट भी होने वाली है, लेट्स गो गाइस, मिड नाइट भी हो चुकी है, अब जेट ड्रैगन की पावर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, ज़्यादा टाइम हम लोग और वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मीटर जो तुम लोगों को दिखता है ना डे नाइट वाला, अगर ये और हाफ वे बढ़ गया तो हम लोगों के लग गया भाई, जी जी वेल प्लेड हो जाएगा, बट इसको पकड़ सकता हो गया यार, इतना ज़्यादा खत्म नाक से चुबन है ना ये, तिलक के नीचे हम लोग इसकी एच पी नहीं लेके जा पाएंगे, तो उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा, बट
यार नहीं नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो है। पकड़ तुम सकते हो और तुम्हारा भाई इसको पकड़ के दिखाने वाला है किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे इस गेम का पोकेमॉन मास्टर बनना ही है भाई। अपने से ज्यादा बॉल पे पोकेमॉन मास्टर तो हम लोग गाइस पीसी को भी नहीं बनने दे सकते, तुम लोगों को पता ही है यार। ड्रैगन भैया घर जाने दो ना, भूख लगी है यार बहुत। ड्रैगन भैया प्लीज समझा करो भाई, सुबह को आया था मैं बट खाना पीना नहीं है, नहीं है, नहीं है, खाना पीना लाना मैं भूल गया यार, टिफिन लाना भूल गया, प्लीज जाने दो भाई। गाइस तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा ठीक है, खाने का गलती से भी नहीं बताना भाई, अगर जेट ड्रैगन को पता चल गया तो मैं जेट ड्रैगन को बुद्धू बना रहा हूँ। रियली गॉड जेट ड्रैगन को तो मेरी बहुत ही ज्यादा गंदी पिटाई करने वाला है। 3 लाख में भी जैक्सन रेट 20% कैसे हो सकता है, थोड़ा तो बढ़ यार। एमओ खत्म होने वाली है, मैंने 5000 एमओ लाई थी एंड अब 500 एमओ ही बाकी है भाई, पर एक मीटर लगता नहीं है और आप लोग उसको पकड़ सकते हैं यार, मैं क्या करूं। एंड देख के देखता हूँ क्या, लेट्स गो, 5 बॉल बर्बाद, नहीं नहीं 5 ही बॉल्स है यार, 5 ही बॉल्स में हम लोगों को इसको पकड़ने का कोशिश करना है। सो मैं ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ गाइस, अगर हम लोगों ने रिस्क ले लिया ना अभी बर्बाद हो जाएंगे भाई। आजा आजा आजा, चल 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 जेट ड्रैगन चल, एक से ये दिया भाई, ये आजा आजा पैरो लिया, एक दो 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 करना भाई, सेकंड अटैक लेट्स गो, लेट्स गो। एक सेकंड देख सकते हो मिडनाइट में मैंने तुम लोगों को कहा था कि इसकी पावर और हो जाएगी एंड अब हो चुकी है, अब हम लोग चाह के भी इसको आग नहीं लगा सकते। सो थोड़ा एक सेकंड अब लोग इसको अगर अपने पोकेमॉन के पावर से ना लगा पाए इससे लगा सकते हैं, और एक ट्राई दे जाऊँ मैं ठीक है। इधर ही रहना भाई, भाग क्यों जाता है यार, डरता है क्या जेट ड्रैगन तेरे से कोई? इधर आ इधर आ इधर, मैं इधर हूँ इधर हूँ, आजा आजा बैठ जाता हूँ। तो बैठ नहीं सकता अब सब चाहिए, ऊपर ही आग लग गई थी ऑलमोस्ट, भागो 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 भागो, जेट ड्रैगन के ऊपर आग लग जाना भाई, वो आग के ऊपर है बट इस बार आग भी नहीं लग रही है उससे, और अब बंद हो चुका, मैं मर गया, बच गया यार। थोड़ा चालू हो जाना जेट ड्रैगन, क्या दिक्कत है भाई तेरे को, हो जाना भाई यार, प्लीज 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 जेट ड्रैगन प्लीज प्लीज प्लीज। अबे छोड़ो यार इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं है कि मैं इस पर लालच देके इधर फुलान हूँ यार, खाने का लालच लेके शायद ये भी आ जाए। सो वैसे इसको भी भूख तो लगी होगी मेरे साथ फाइट करते करते राइट, एंड ना भाई इसको तो नहीं लगती है भूख, वो कुछ नहीं लगता यार मेरे पास, खाने के लिए कुछ नहीं है ना, दिक्कत ही है वाले वो ना। देखो इधर हम लोग ऑमलेट वगैरह, अरे रुकते रुक जाओ मेरे, इससे ना गाइस हम लोग थोड़ा सा खाना ठीक है, वो पीस रखते हैं ठीक है, क्या पता कि जेट ड्रैगन लालची बन के आ जाए, बट इसके लिए मैं बोल स्टीक चाहिए होता है, मैं ऑलरेडी पका हुआ डी लाया हूँ भाई, तुझसे कुछ 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 भी नहीं है क्या भाई, रॉ मीट वगैरह सारी फालती चीजें अपने बैग में आती है, ये हटाओ भाई यार, तेरी भैंस की आग इस बार नहीं छोड़ने वाला मैं, मेरे ऊपर आग लगी भाई बनती से, मैं आग ऊपर खड़ा हो गया यार। अबे यार ये आग तो मुझे डैमेज हो रही है भाई, तू जेट ड्रैगन को डैमेज दे रहा, मेरे को क्यों डैमेज दे रहा है आग भाई, एमो खत्म होने वाली है, सब खत्म होने वाला है भाई, सुबह होने वाली है जेट ड्रैगन, प्लीज ब्रो हार मान जाना, मैं तो हार मान नहीं सकता यार, जेट ड्रैगन मेरी मजबूरी समझ यार, ये मेरी मजबूरी तो नहीं समझ रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है बट आई गेस हो सकता है, हो सकता है थोड़ा तो हम लोगों ने इसको लुक करा है अच्छे से, वो भी भाई हम लोग कुछ भी हो जाएगा इस, देखो सुबह भी होने वाली है मिडनाइट क्रॉस ऑफ ट्रैक, अब हमारे पास फिर से अपना एडवांटेज आने वाला है क्योंकि सुबह के टाइम पे इसको आग लगना फिर से ज्यादा चालू होने वाला है भाई, एंड तब भाई फ्री में फायदा उठाने वाले हैं वो तो। अयो राम आई से गाई से, ओए बुलेट खत्म हो गई, अरे मजाक करते करते बुलेट खत्म हो गई, रिद्धि बा ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ भाई, एक काम करता हूँ खाना खा लेते हैं गाइस, किसको खिला दूँ, पायरोलिन की एचपी जा रही है सो उसको खिला देना, मेरा एआर राइफल डैमेज हो चुका है बहुत ही गंदी तरीके से, तुम लोगों को देख रहा है इसकी एचपी कितनी, हम लोग ने अपने ग्लासेस पहन के देख लेते हैं लाइक स्टैट्स अभी भी चेंज नहीं हुए है ना, कहाँ गया ये रहा, एंड जैसे कि देख सकते हो भाई इसका सब कुछ सेम ही दिखा रहा है, तुम्हें भी कुछ भी नो नहीं हुआ है ब्रो, चीज भी चेंज नहीं हुई है, इतना ज्यादा डैमेज दिया हम लोगों ने इसको, तभी पैल्स पी एन में 20% से ज्यादा इसका जा नहीं रही रहा है, लाइक इम्पॉसिबल दिख रहा है मेरे को वो चीज, बट यार ये मेरे को ट्रिक करनी पड़ेगी, आजा 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 इसके ऊपर मैं इधर ही हूँ मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, मेरे पास में स्टील है इसलिए मैं थोड़ा बात और बन रहा हूँ, बट आ जाना भाई आग के ऊपर आ जाना यार, आना ठंडी हो गई है भाई, दोनों मिल गया हाथ सेकेंगे, आजा आजा चल नहीं आना है, भाग मिलता बच गया भाई, इसको लिटरली अभी खत्म करने का टाइम आ चुका है, बट तुम लोग देख सकते हो यार 20% के कैप्चर रेट में मैं क्या ही पकड़ो, क्या हम लोग इसे पकड़ सकते हैं, लेट्स ट्राई,
3 लाख तो लाइक 3 मिलियन तो 3 लाख तो इसका 3% का एच पी हुआ राइट। तो शायद हम लोग इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि देखो और तो ये वो नहीं सकता भाई उसके सिवाय कि इसको पकड़ सकते हैं। मेरे पास 4 बॉल दिए, मैंने एक और बॉल वेस्ट किया। आएगा क्या भाई, मैंने तुम लोग चाहता यार नहीं आने वाला है। तो भाई क्यों नहीं आ रहा जेट ड्रैगन प्लीज भाई, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ब्रो, अपने पास आ चुका है 100 लेवल का गॉड जेट ड्रैगन। कैसे भाई कैसे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बट हम लोग ना सबसे पहले अभी हमने बेस में चलते हैं भाई, मुझसे तो अभी वेट जरा सा भी नहीं हो रहा है भाई। सो इधर देखो, तुम लोगों को पता है कि उसी माउंटेन्स पे एक टावर है यार। सो टावर लेके हम लोग ना शॉर्टकट से जाने वाले हैं। ये अपना नॉर्मल वाला जेट ड्रैगन है, सो इसको लेके चलते हैं। कहाँ गया टावर, कहाँ गया यार टावर पूरा। एंड भाई आज जो फाइनली मजे आने वाले है ना, जो मजे आने वाले। सो इधर से हम लोग टेलीपोर्ट कर लेते हैं अपने बेस में भाई, लेकिन अभी जो मजा है ना, अभी हम लोग चलने वाले अपने बेस में। एंड अपना बेस कहाँ था, एक सेकंड, मैंने गलत टेलीपोर्ट किया। सो इधर था कोई नहीं है, ऐसे ही करके इसके ऊपर बैठ के चले आते हैं। ये देख सकते हो भाई द ग्रेट ट्री है अपने सामने भाई, ऑब्वियस है गॉड जेट ड्रैगन को हराया लाइक इस गेम का तो सबसे ज्यादा वही स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है मुझे। एंड ये देख सकते हो तुम लोग द ग्रेट ट्री, बट इसके ऊपर से सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता है, तो मैं थोड़ा नीचे उतर जाके तुम लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर पे जा रहा है, किसको मार रहा है भाई तू, अरे इन बच्चों को। कौन सा पोकेमॉन है भाई, मैं नहीं, एक सेकंड देखने तो मुझे, ये कौन है 100 लेवल का जाइजीन 6 मिलियन के एचपी, ये कौन है भाई, इसको तो कभी नहीं देखा। गाइस इसके साथ फाइट लेके देखते हैं क्या, लाइक मुझे तो नहीं लगता ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट गॉड जेट ड्रैगन को हराया भाई। ये तो बच्चा लग रहा है मेरे को, 4 करके डैमेज लग रहा है, नॉट बैड। बट उधर कौन आ रहा है, ये चार हिट शॉट में मेरे पोकेमॉन को मार दिया भाई 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 भाई